अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं हैदराबादी रेसिपी बार फरहाद आज क्या बना रही बोले तो मैं केक बना रही। कौन सा केक बना रही बोले तो मैं बोल दिया भी तुमने। थोड़ा सा देखिए, शक्कर एक दो तीन चार पाँच, इसको अच्छा सा थोड़ा सा पलो शक्कर को, इसको थोड़ा सा मैं पिघला लेना, शीरे के टाइप में बना लेके इसको रख लिए तो रेडी। मैं पूरा डिटेल केक बना रहे से बता दिया। कोटिंग बना रही देखिए मैं, कैरेमल कोटिंग। और कैसा है देखिए, शक्कर को मैं थोड़ा सा 4 चम्मच शक्कर डाल लेके इसको थोड़ा सा शीरे का ग्रेवी बना ले रही। इसको बना यही बनाने में रहता, ज़्यादा जल गया तो भी कड़वापन आता। ये कैरेमल देखिए, इसे ना पानी डालना ना कुछ नहीं, शक्कर से इसको शीरा बना लेना। ये पकाने में है ये, देखिए कैरेमल बन गया। अब इसको थोड़ी से ऐसी रख देंगे। मैं अब पूरा मटेरियल क्या क्या डालना कैरेमल पुटिंग का, कैसा बनाने का मैं पूरा बता, ये रेडी होगा। गया, मैं इसके अंदर बना रही कैरेमल पुटिंग। देखिए देख कैरेमल बन गया, इसके अंदर मैं ऐसा डाल देना है। पूरा रेडी है, ऐसा बना के ऐसा कैरेमल डाल लिया तो क्या होता, अपन अब पूरे इसकी तैयारी पुटिंग की तैयारी कर लेना। कैसा कैसा बनाना मैं डिटेल आपको बताती। अब लोग कैसा बना लो, ड्राई फ्रूट्स भी मिक्सिंग करके भी डाल ले सकते कहीं में, ब्रेड में मैं बताती। ब्रेड का वो होगा इसका, तो ऐसे स्प्रेड कर लेना देखिए ऐसा, बताती हूँ। रेडी ठीक है। देखिए कैरेमल पुडिंग बना रही मैं, वो जो सा कैरेमल में जो बनाई मैं बताई। उसके बाद ये ब्रेड को साइड से पूरे काट लेना। ये ब्रेड इस्तेमाल करी मैं, ये ब्रेड इस्तेमाल करी। अब इसके अंदर क्या है, दूध अच्छा सा गरम कर ले के बहुत से बहुत ठंडा रखी। और ये 3 अंडे, शक्कर, वेनेला ऐसे। और मैं कैसा बनाना इसको, ब्रेड को कैसा भिगा लेना देखे, तो ऐसा काट लेना, पीसेस कर लेना। 6 ब्रेड को दो, ये 6 ब्रेड इस्तेमाल कर रही देखे, ऐसा काट के इसका साइड से पूरा निकाल ली। 6 ब्रेड ऐसा, इसको पूरा डीप कर लेना ऐसा। देखिए 3 अंडे, पहले क्या करना, शक्कर को पाउडर बना लेना। तो शक्कर का पाउडर रेडी बना लिए मैं, अंडे डाल रही। शक्कर ऐसा भी डाल के भी डायरेक्ट ऐसा भी पेस्ट बना ले सकते हैं। 3 अंडे, इसको ग्राइंडर कर लेना। इसको मैं अच्छा सा 2-3 बार अच्छा पेस्ट कर ली। देखो उसके बाद शक्कर डाल, दो भी डाल के भी पेस्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये भीग रहा दूध में ब्रेड, टेस्ट कर लिए तो अच्छा रहता। मैं अभी ये पेस्ट बना के, ये जो अंडा शक्कर का 2 बना के रेडी रख ली। देखो अब क्या करना है, तो दूध ब्रेड 1/2 लीटर दूध, साइडों से ब्रेड का पूरा पीसेस जो निकाल देना। देखो ब्रेड भी दूध, 2-3 बार थोड़ा सा उसको पेस्ट बना लें।
ये अंडा, शक्कर, इसमें आइसेस डाल देना, इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। आधा चमचा ऐसे, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना। देखिए आ रहा है पानी, थोड़ा सा उबल गया, बॉयल आ गया, देखिए उबल गया, थोड़ा सा गर्म होगा हीट, एक आधा घंटा में बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये कैरी मिल देखिए ये है, ये मैं पूरा पेस्ट बना इसे पूरा आपको डिटेल बताई। अब इसके अंदर डाल देना है, कैरेमल नीचे है, अपन ये जो पूरा पेस्ट बना है सो पूरा इसके अंदर रेडी डाल दी। ये पानी थोड़ा सा देखिए इधर, इसके ऊपर ऐसा रखना, मैं अब ये ओवन में नहीं बना रही इसको, ऐसे ही बनाए तो थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए ऐसा रख दी, इसको ऐसा ढाप दें, एक आधा घंटे में रेडी। थोड़े मैं थोड़ी देर के बाद आप लोग को बताऊँगा। कैरेमल पुडिंग तैयार हो गई, देखिए रेडी, देखिए देखिए देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क में आला दा फरमाया, बन गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए ज़रूर से ज़रूर, मैं बनाना पूरा डिटेल बताई आप लोग को। अल्लाह हाफिज़, दुआ की गुजारिश।